दोस्तों, पेरेंटी मॉनिटर छिपकली की एक प्रजाति है। कोमोडो ड्रैगन, एशियन वाटर मॉनिटर और क्रोकोडाइल मॉनिटर के बाद यह पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित छिपकलियों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्रों में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में पाई जाती है। पेरेंटीज ऑस्ट्रेलिया में छिपकली की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति मानी जाती है। इसके शरीर की लंबाई 7 फीट 3 इंच से लेकर 9 फीट 11 इंच तक हो जाती है और इसका वजन 18 किलोग्राम से लेकर 42 किलोग्राम तक हो जाता है। पेरेंटीज ज्यादातर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी क्षेत्र और क्वींसलैंड के शुष्क रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इनके आवास में चट्टानी चट्टाने और घाटियां, सख्त मिट्टी और ढीले पत्थर शामिल हैं। पेरेंटी आमतौर पर मानव संपर्क से बचते हैं और अक्सर देखे जाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। खुदाई करने में सक्षम होने के कारण ये कुछ ही मिनटों में आश्रय के लिए बिल खोद लेते हैं। इनके लंबे पंजे इन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में सक्षम बनाते हैं। ये अक्सर आसपास के इलाके का बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए अपने पिछले पैरों और पूंछ पर खड़े होते हैं। यह व्यवहार जिसे ट्राइपॉन्डिंग के रूप में जाना जाता है, मॉनिटर प्रजातियों में यह काफी आम है। पेरेंटी तेज दौड़ने वाले होते हैं और या तो ये अपने सभी चार पैरों या केवल अपने पिछले पैरों का उपयोग करके दौड़ लेते हैं। ज्यादातर गोआना की तरह पेरेंटी या तो जम जाता है, जमीन पर सपाट लेट जाता है और खतरा टलने तक बहुत स्थिर रहता है, या पता लगने पर भाग जाता है। यदि इसे घेर लिया जाता है तो यह शक्तिशाली मांसाहारी अपनी जगह पर खड़ा रहता है और अपने पंजों, दांतों और चाबुक जैसी पूंछ का उपयोग करके खुद का बचाव करता है। यह अपने गले को फुला सकता है और रक्षात्मक या आक्रामक प्रदर्शन के रूप में फुफकारता है और अपनी मांसल पूंछ से विरोधियों पर हमला कर सकता है। यह खुले मुंह से आगे की ओर झपट्टा भी मार लेता है, या तो धोखा देने के लिए या फिर हमला करने के लिए। पेरेंटी के काटने से बहुत नुकसान होता है, ना केवल दांतों से बल्कि मौखिक सिराव के कारण भी। पेरेंटी सिर शिकारी होते हैं। इनके क्षेत्र में कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है। ये अत्यधिक सक्रिय मांसाहारी होते हैं जो ज्यादातर सरीसृप, छोटे स्तनधारियों और कम सामान्यतः हीरे के कबूतर जैसे पक्षियों को खाते हैं। ये जीव शिकार का शिकार करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सड़ा हुआ मांस भी खा लेते हैं। सरीसृप शिकार में ज्यादातर छिपकलियां और शायद ही कभी सांप शामिल होते हैं, लेकिन यह प्रजाति इंट्रागिल्ड शिकार का एक उल्लेखनीय उदाहरण भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि यह सामान्य रूप से बड़ी संख्या में अन्य मॉनिटर छिपकली प्रजातियों जैसे रिज टेल्ड मॉनिटर, ब्लैक हेडेड मॉनिटर, गोल्ड मॉनिटर और यहाँ तक कि आर्गस मॉनिटर को भी खा लेती है। पेरेंटीज अपनी ही प्रजाति के छोटे सदस्यों को खाती है। अन्य छिपकली के शिकार में केंद्रीय दाढ़ी वाले ड्रैगन और लंबी नाक वाले पानी के ड्रैगन शामिल हैं। तटीय और द्वीपीय नर अक्सर बड़ी संख्या में समुद्री कछुए के अंडे और हैचलिंग खाते हैं और मैला ढोने वाले गल्स पर घात लगाने के लिए वाहनों के नीचे छिप जाते हैं। स्तनधारी शिकार में चमगादड़, युवा कंगारू, अन्य छोटे मार्सियोपियल और कृंतक शामिल हैं। इन्हें कभी कभी उथले पानी में भोजन की तलाश करते हुए भी देखा गया है। ये अपने शक्तिशाली अग्रपादों और पंजों का उपयोग करके कंगारुओं को मारने और उन बड़े जानवरों को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम है जो निगलने के लिए पूरे नहीं हो सकते। यद्यपि वयस्क मुख्य रूप से केशुरुकी शिकार पर भोजन करते हैं, युवा पेरेंटी ज्यादातर आर्थोपोड को खाते हैं, विशेष रूप से टिड्डे और सेंटीपीड। शिकार को आमतौर पर पूरा निगल लिया जाता है, लेकिन अगर खाद्य पदार्थ बहुत बड़ा होता है तो उपभोग में आसानी के लिए टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। इन बड़े मॉनिटर छिपकलियों का एक अनोखा संभोग अनुष्ठान होता है जो जंगल में इनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पेरेंटी नर प्रभुत्व स्थापित करने और मादा के साथ संभोग करने का अधिकार जीतने के लिए तेज शारीरिक लड़ाई में शामिल होते हैं।
इसमें काटना, पूछ मारना और कुश्ती करना शामिल हो सकता है। ये सब अपनी ताकत और कौशल साबित करने के नाम पर किया जाता है। एक बार जब नर मादा को सफलतापूर्वक प्रेम करता है तो ये संभोग में शामिल हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चल सकती है, जिसमें नर अपने हेमिपीन का उपयोग करके मादा के अंडों को आंतरिक रूप से निषेचित करता है। संभोग के बाद मादा अपने अंडों को सावधानी से चुने गए घोंसले के स्थान पर रखती है। पेरेंटी अपने सावधानी पूर्वक घोंसला बनाने के कौशल के लिए जाने जाते हैं। अपने अंडों को शिकारियों और अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए ये बिल बनाते हैं या जमीन में छेद खोद लेते हैं। पर्यावरण के आधार पर पेरेंटी अंडों के सहने की अवधि 6 से 9 महीने तक हो सकती है। एक बार अंडे सहने के बाद माँ अक्सर अपने बच्चों को उनके खोल से बाहर निकालने में मदद करती है और उन्हें अपनी नई दुनिया में आगे बढ़ने के दौरान सुरक्षा और मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती है। पेरेंटी का औसत जीवन का लगभग 30 साल तक हो जाता है। अपनी गंध की गहरी समझ और उत्कृष्ट दृष्टि के साथ पेरेंटी विशेषज्ञ शिकारी हैं, जो पक्षियों, स्तनधारियों और यहाँ तक कि अन्य सरीसृपों सहित विभिन्न जानवरों का शिकार करते हैं। इनके आहार में कीड़ों से लेकर बड़े स्तनधारियों तक कुछ भी शामिल हो सकता है, जो इन्हें अपने पारिस्थितिक तंत्र में बेहतरीन शिकारी बनाता है। पेरेंटी के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक इसकी उच्च गति से दौड़ने की क्षमता है, जो शिकार का पीछा करते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। इनके मजबूत पैर और मांसल शरीर इन्हें भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करने की अनुमति देते हैं, जो इन्हें कठोर ऑस्ट्रेलियाई आउटबैक में कुशल शिकारी बनाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर अपने प्रभावशाली आकार, शिकार कौशल और पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ पेरेंटी वास्तव में एक आकर्षक सरीसृप है। तो दोस्तों, यह थी पेरेंटी के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद।